हाय गाइस, मेरा नाम कृष्णा है और आज लाया हूँ मैं ओप्पो F7, जिसका डिस्प्ले डैमेज है और हम इसका डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले कॉम्बो लाया, LCD कॉम्बो स्टॉक में मंगाया है, तो हम इसको डिस्प्ले असेंबल करेंगे। तो हम इसको पहले खोल देते हैं। फ़ोन का बैक पैनल ओपन करने के बाद इसके स्क्रू होंगे, आपको स्क्रू खोल लेना है। और बैटरी का प्लग निकालने के बाद आप बैटरी बाहर निकालिए और एक डिस्प्ले का प्लग निकालिए और डिस्प्ले निकालने के लिए तो ये हमारा पुराना डिस्प्ले है, तो इसको थोड़ा साफ कर लेंगे क्योंकि गम लगाने के बाद फिटिंग बराबर बैठे। ताकि डिस्प्ले एकदम क्लीन से बैठ सके, तो हम डिस्प्ले चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले भी चालू हो गया है। टच वैच चेक कर लेते हैं, टच काम कर रहा है नहीं कर रहा है। डिस्प्ले काम कर रहा है, तो डिस्प्ले परफेक्ट है। तो हम इसको अब करेंगे फिटिंग। तो फिटिंग करने के लिए हमें गम की ज़रूरत पड़ेगी। LCD डिस्प्ले हम यहाँ पे पहले गम लगाएंगे। गम कोने कोने में लगाना है ताकि डिस्प्ले एकदम क्लीन से चिपक जाए। सब मोबाइल के लिए सेम है, ओप्पो वीवो, बस फर्क इतना ही है कि जो पीछे का जो पैनल खुलेगा उस पर कभी कभी गम वाला पैनल रहता है, कोई ग्लास वाला रहता है, तो वो थोड़ा दिक्कत पड़ता है, उसको थोड़ा गर्म करके निकालना पड़ता है। बाकी सब कैप वाले ही आते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं।
ये आपको एटलीस्ट एक 2,000 रुपये तक कॉस्ट पड़ता है डिस्प्ले का, और डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी रहती है यूज़ करने के लिए। सब मोबाइल का सेम प्रोसीजर है, ओप्पो है, वीवो है, सबका डिस्प्ले चेंज सेम तरीके से होता है। गम कोने में लगाने से फ़ायदा यह होता है कि डस्ट अंदर जाता नहीं और डिस्प्ले एकदम क्लीन से चिपक जाता है। इसको पैक कर देते हैं कि गम निकल जाएगा बाहर। तो हम इस पे अब डिस्प्ले फिट करने से पहले पेपर निकाल देते हैं, शाइनिंग पेपर। इसको क्लीन से फिट करेंगे। देखिए एकदम क्लीन से फिट करना है ताकि गम चिपक जाए, और फिर इसको क्लीन से यहाँ पे बिठा देंगे। और बैटरी डालेंगे। ज़्यादा डिस्प्ले पे वज़न नहीं देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्प्ले पे अगर आप वज़न देंगे तो डिस्प्ले टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, प्रेशर की वजह से टूट भी सकते हैं। तो हम इसका पूरा स्क्रू फिर से फिट कर देंगे फटाफट। इसका स्क्रू टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर स्पीकर रहता है, तो स्पीकर के पास आपको अगर पहले से अगर सर्विस होके रहेगा तो वहाँ पे स्पीकर पे अगर स्क्रू नहीं रहे तो आप एक्स्ट्रा एक स्क्रू लगा सकते हैं, क्योंकि उससे दिक्कत क्या होता है कि स्पीकर की आवाज़ नहीं आती है अगर स्क्रू लगा ना हो तो, क्योंकि वो थ्रेडिंग पीछे की जो बोर्ड रहता है ना उस पर कनेक्ट रहता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्रू इसमें कम थे तो हम एक्स्ट्रा स्क्रू लगा देंगे ताकि सर्विस अच्छी हो और कस्टमर भी खुश रहे, उसे कोई चीज़ की दिक्कत ना पड़े यूज़ करने में। इसका स्क्रू फटाफट टाइट कर देते हैं। क्या दूसरी बार डिस्प्ले चेंज करा रहे हैं? ऑलरेडी एक बार पहले भी चेंज कराया था, उन्होंने स्क्रू लगाए नहीं, खाली आधे स्क्रू लगाए और आधे स्क्रू वैसे ही छोड़ दिए। तो उससे दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पे अगर स्क्रू नहीं लगे रहेंगे तो हमारा वो जो एंटीना है या बैटरी है उसका कनेक्शन थोड़ा लूज हो जाता है, और ऊपर जो स्पीकर आता है उसका कनेक्शन इसके पीछे जो बोर्ड है उसके ऊपर ही रहता है। तो स्क्रू पूरा रहने के कारण कोई भी चीज़ में इतनी दिक्कत नहीं रहती है। चलो एक बार फिट कर दिया तो दोबारा बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने हमने स्क्रू पूरे डाल दिए हैं। अब इसका फिंगरप्रिंट बिठा देते हैं। तो ये हमने इसका फिंगरप्रिंट बिठा दिया है। अब इसको लाइट से बिठाना है, यानी ज़्यादा जोर लगाना नहीं है। अगर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो डिस्प्ले टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा जोर लगाना नहीं है। हम इसको ऑन करेंगे। तो लो ये ऑन हो गया है, और हमारा फ़ोन ओप्पो F7 डिस्प्ले चेंज हो गया है। तो हम इसको अब
डिस्प्ले चिपकने के लिए दो रबर का यूज़ करेंगे जिससे डिस्प्ले